बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद सफदर आज़मी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के हाल पर रहम फरमाए, करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो आप हजरात के सामने मैं नुस्खा पेश करने लगा हूँ इस वीडियो में, ये है जी इक्सीर अल्सर। बेहतरीन नुस्खा है जी अल्सर के लिए, अल्सर मैदा और आंतों के ज़ख़्मों के लिए मुजर्रब तरीन दवा है। मैदा और आंतों के ज़ख़्मों को भरती है, साथ ही आंतों और मैदे से खून आने को रोकती है। बेहतरीन दवाई है, बेज़रर दवाई है। ये बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएगा। जो इसमें अदवियात इस्तेमाल होंगी वह आपके सामने जो है बयान कर देता हूँ। राल सफ़ेद आपने लेनी है 2 तोले, गूंद कतीरा 2 तोले, गूंद किकर ये भी 2 तोले लेनी है आपने, और गेरू लेना है 2 तोले। तमाम अदवियात का बस आपने अलग अलग पीस के अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना है। दवाई आपकी तैयार है। लेनी कैसी है जी, 1 टीस्पून सुबह दोपहर शाम खाने से पहले पानी से खाएं। अच्छा, अगर कब्ज़ भी हो बंदे को साथ, तो इस दवाई के साथ जो है ना छिलका इसबगोल वो 1 जो है ना टेबल स्पून, बड़ा चम्मच जो होता है खाने वाला जिससे चाय अपना चावल वगैरह खाते हैं, वो चम्मच सुबह दोपहर शाम इस दवाई के साथ ही वो भी लेना है। इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ायदा होगा। ये मैदा और आंतों के ज़ख़्मों के लिए बेहतरीन दवाई है और बिल्कुल कम लागत और आसान है। आप इस्तेमाल करें, जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक आपको शफा दे, अल्लाह पाक करम फरमाए। अब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।